दुर्ग कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला अस्पताल परिसर में हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण विभाग ने आज परिसर से सारा कब्जा हटाकर सामान को जब्त किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा शनिवार को जिला कलेक्टर के निर्देश और सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक द्वारा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर को लिखित में आवेदन पत्र में मांग की गई थी, जिसमें अस्पताल परिसर में हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की बात कही गई थी। बता दें कि अस्पताल का विगत दिनों दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अवैध रूप से रखे अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त लोकेश चंद्राकर स्वयं खड़े रहकर अस्पताल परिसर अंतर्गत मातृ शिशु भवन एवं GNM नर्सिंग भवन के बीच के क्षेत्र की बाउंड्री वॉल जो कि टूटी हुई थी, जिसे पक्की दीवार बनाकर स्थायी रूप से बंद किया जाना है और परिसर के अंदर एवं बाउंड्री वॉल के आसपास के क्षेत्र, विशेषकर दुर्गा मंदिर के आसपास के क्षेत्र सभी के अवैध कब्जों को हटाया गया। साथ ही अन्य जगहों पर भी दुर्ग निगम ने कार्रवाई कर कब्जे को हटाया। इसके साथ ही सामानों की जब्ती कार्रवाई भी की गई। इस दौरान मौके पर भवन अधिकारी गिरीश दीवान, बाजार अधिकारी जावेद अली, अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, भवन निरीक्षक विनोद मांझी, थान सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर महोदय साहब जो है 15 सितम्बर को जीवनदीप समिति की बैठक में जिला अस्पताल आए थे, उन्होंने जिला अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया था और उनको जो जो चीज़ यहाँ ठीक नहीं लगी, जैसे अवैध जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाने के लिए निर्देश दिया था, और साईं भोजनालय है वहाँ भी अवैध अप्रोचिंग हो गई है, उसको भी हटाने के लिए, तो नगर निगम दुर्ग के द्वारा इस बारे में आज सारा अवैध इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये अभी जो गेट हटा नहीं है, वहाँ पे तो दीवार बनेगी और इसके अंदर में जो इंक्रोचमेंट था वो हटा है, और यहाँ पे फिर सारी एम्बुलेंस वगैरह रहेगी जो बाहर लाइन से खड़ी रहती थी रास्ते में, उसको यहाँ पे खड़े करें को में जो जगह है उसको डिसमेंटल करके वहाँ पर हटा के वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनेगा, जिसके लिए शासन से पैसे स्वीकृत हो चुके हैं और हमारे पास और जगह भी नहीं है, और वो जगह कलेक्टर साहब को भी अच्छा लगा है तो वहाँ पे बनने का है। बता दें, अवैध कार्रवाई हटाए जाने के दौरान कोई भी अधिकारी मीडिया को जानकारी देने से बचता नजर आया। जब फील्ड पर ही मौजूद अधिकारी अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को बता नहीं पा रहे हैं तो घटनाक्रम की जानकारी आखिरकार कौन देगा? क्या दुर्ग निगम के अधिकारी किसी का दबाव नहीं लेना चाहते? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।